गुड इवनिंग बच्चों बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 11। तो क्वाड्रिलेटरल्स है क्या? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, जो चार लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चार लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से, ना कि कर्व से। लाइन होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट होने चाहिए चार। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट। बेसिकली ये जो रोम्बस है, इसी को हम काइट भी बोलते हैं। रोम्बस के अंदर भी दो टाइप के रोम्बस होते हैं, एक होता है आइसोस्केलिस रोम्बस, आइसोस्केलिस नहीं, एक होता है हमारा जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, उसे नॉर्मली हम रोम्बस कहते हैं। जब क्वाड्रिलेटर की ऑल साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये डिफरेंस ये है, वैसे बता देते हैं कि स्क्वायर के ना डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगनल्स होते हैं जब हम अपोजिट कॉर्नर्स को, वर्टेक्स को मिला देते हैं, तो जो ये लाइन बनती है उसको डायगनल्स बोलते हैं। स्क्वायर में ये डायगनल्स इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में ये डायगनल्स इक्वल नहीं होते। बस ये इतना सा फर्क होता है दोनों में। तो रोम्बस के अंदर काइट वाली जो फिगर होती है, वैसे एक रोम्बस खुद ही एक काइट होती है, बट अगर इसमें केवल काइट आए, जैसे अब रोम्बस और नॉर्मल काइट में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जैसे आप ये एक फिगर देख रहे होंगे, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। तो ये जो फिगर है ये हमारा रोम्बस है और ये काइट जैसी भी है, बट कुछ फिगर होती है जिनको काइट बोला जाता है, उनको रोम्बस नहीं बोला जाता। वो कौन सी फिगर होती है? जैसे वो फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। नीचे वाला इरेज कर देते हैं सेक्शन, इसको अभी डिस्कस करेंगे दोबारा से। तो वो कौन सी फिगर होती है जिनको केवल काइट बोला जाता है, उनको रोम्बस क्यों नहीं बोला जाता, उनमें क्या ऐसा रीज़न है? जैसे आपके सामने एक फिगर होगी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सर मैं बताऊं। सुनते जाइए बेटा बस। ये काइट है। अब इसमें और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? देखो काइट में क्या होता है ना, ये वाली साइड है आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ये इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, तो ये काइट होती है। और रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड से इक्वल होती हैं। हाँ बेटा अब आप बताइए। हाँ देवेंद्र आप बोल सकते हैं सर, क्या बेटा, आप भी यही बोलने मेरा भी वाले यही हैं? आंसर था। अच्छा चलो ठीक है, यस मतलब सर, सेम था हम दोनों का ना। और कुछ ऐड करना है तो आप बोल यस, सकते हैं, ठीक है। नो सर, चलिए तो ये हो गई हमारे काइट और रोम्बस में डिफरेंस। ऐसे ट्रेपेजियम के अंदर भी ना, इसमें सर ऊपर की तरफ सर जैसे ये बड़ा हो गया सर, नीचे की तरफ छोटा हाँ सर, ये दो, भी है सर इसमें चाहे ऐसे बनाओ सर हाँ मतलब ऊपर वही लगेगा, ऊपर बड़ा उसी नीचे पे छोटा कर लगेगा सकते वैसे। हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ना सर, हाँ ऐसे सर इसमें लगेगा ट्रेपेजियम सर के अंदर भी और दो ट्रेपेजियम रोमस में होते नहीं हैं, लगेगा। ट्रेपेजियम के अंदर भी दो ट्रेपेजियम होते हैं, एक ट्रेपेजियम नॉर्मल, एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। वो क्या होता है उसको डिटेल में बाद में समझेंगे, फिलहाल हम थोड़ी दूसरी फिगर्स पे आ जाते हैं। सर इसमें होगा कि सर बताएंगे सारे बेटा, साइड आपसे भी अनइक्वल पूछेंगे, होंगे। तब पूछेंगे आपसे, जब वो डिस्कस करेंगे ना तब पूछेंगे हम, ठीक है। देखिए बेटा, जो फिगर ऐसे कर्व से मिलके बनी होती है और ऐसे क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल, क्लोज फिगर, क्लोज हाँ क्लोज्ड कर्व्ड, फिगर, सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड, क्योंकि ये सिंपल है और क्लोज है, बंद है, और ये किससे मिलके बना है, कर्व से, तो इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड बोला जाता है। ऐसी कोई फिगर, कोई भी फिगर हो वो, अगर वो उसमें कितनी भी लाइंस क्यों ना हो, कितनी भी लाइंस क्यों ना हो, अगर वो क्लोज है, चाहे उसमें कितनी लाइंस क्यों ना हो, ठीक है, चाहे उसमें 10 लाइन हो, 20 लाइन हो, 30 लाइन हो, है ना, बस वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो क्लोज है तो वो फिगर हमारी कहलाती है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है बेटा, कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, तो उसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। चाहे हम बात करें, सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे कम लाइन सेगमेंट होते हैं, है ना, 3 लाइन कम से कम। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉलीगन होने के लिए एटलीस्ट कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, तो आंसर इज 3 लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि अगर 2 लाइन सेगमेंट होगा तो फिगर क्लोज्ड हो ही नहीं पाएगी,
क्लोज फिगर करने के लिए एटलीस्ट कितने लाइन सेगमेंट होनी चाहिए? थ्री। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, आप ये देख रहे होंगे ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो अभी ये फिगर क्लोज नहीं है। अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो एटलीस्ट मुझे इसमें वन लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। अब ये क्लोज हो चुकी है, तो ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। तो अगर हमसे कोई पूछता है तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल, जिसमें सबसे कम लाइन सेगमेंट होती है। और बड़े का हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़े बड़े भी पॉलीगन होते हैं। ठीक है बेटा, तो एटलीस्ट जो मिनिमम लाइन सेगमेंट है वो क्या है हमारा, ट्राइंगल है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, जो एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें पॉलीगन के बाद, तो पॉलीगन में भी ना दो टाइप के पॉलीगन होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आपने लेंसेस के बारे में तो सुना होगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। आज पॉलीगन के बारे में भी सुन लेते हैं। देखिए बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस है? जैसे ये आपके सामने एक पॉलीगन है, अगर मैं इसके डायगनल्स को ज्वाइन करूँगा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अभी बस सुनते रहना। अभी आपकी बारी आएगी ना, जब आपकी बारी कब आएगी, जब इसके बारे में मैं पूछूंगा आपसे कराने के बाद। तो जितने भी इसके डायगनल्स हैं, ठीक है, जितने भी इसके डायगनल्स हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, दोनों में, दोनों फिगर आप देखते जाइए सामने। अगर मैं अब इसके डायगनल्स बनाऊंगा, तो इसके डायगनल्स हैं, इनके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा। तो जैसे मैं इसको ज्वाइन करूंगा किससे बेटा, इसको मैंने जैसे इससे ज्वाइन किया ना, है ना, इसको डायगनल्स को, चाहे तो आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये डायगनल्स है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ज्वाइन करूँगा अपोजिट इसके डायगनल को, ये ऐसे इधर मैं अगर ज्वाइन करूँगा, ये सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो इसके डायगोनल थे वो इस क्लोज्ड फिगर के अंदर की तरफ थे, दोनों के दोनों अंदर की तरफ थे। डायगोनल्स इस फिगर के अंदर की तरफ है, दोनों डायगोनल्स। तो जब डायगोनल्स फिगर के अंदर की तरफ होते हैं, तो उस टाइप का जो पॉलीगन होता है उसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जब डायगोनल्स जो हैं वो किसी भी हिस्से से, फिगर से बाहर आ जाए, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं फिगर कहां तक है, ये फिगर है इसमें भी हमारी। एक और डायग्राम बनेगा। हाँ, और भी बन सकते हैं, बट एक ही काफी है समझने के लिए। तो अगर ये जैसे हमारे पास फिगर है, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, तो ये जो इसका डायगोनल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इतना हिस्सा इसका बाहर है, हाँ ये वाला हिस्सा। तो जब डायगोनल का हिस्सा फिगर से बाहर आ जाता है, तो उस टाइप का जो पॉलीगन होता है वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। ठीक है, जब डायगोनल फिगर के बाहर आ जाए तो कॉनकेव पॉलीगन, और जब डायगोनल फिगर के अंदर ही रहे तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत किसी को इसमें? यस सर, नो सर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो हम ज़्यादातर कॉन्वेक्स पॉलीगन के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फिगर है उनमें सब में डायगोनल्स, जैसे आप ये किसी भी फिगर को देखो, इसके अंदर सब में डायगोनल्स अंदर ही मिलेंगे आपको, बाहर नहीं मिलेगा। तो हम जो पढ़ते हैं अपनी बुक में, मोस्टली वो कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में ही पढ़ते हैं। कॉनकेव पॉलीगन हमें कम पढ़ा जाता है, उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है। कॉनकेव पॉलीगन में एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे प्रिज्म है ना, पिरामिड, तो वो हमारी 3D फिगर है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में तो हमें क्वाड्रिलेटरस के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रिलेटर में हम कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन तो आपको पता है,
ये सारे क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नैनोगन, डेकागन, ये सारे के सारे पॉलीगन ही हैं। इनको कैटेगराइज कर दिया गया है ना, जैसे पॉलीगन, पॉलीगन को कैटेगराइज कर दिया गया है। किस किस में? ट्रायंगल में। ट्रायंगल एक पॉलीगन है, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ते हैं हम, पहले हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वाड्रिलेटर में। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, ठीक है, ये भी एक पॉलीगन है। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के बाद आ जाते हैं पेंटागन में, पेंटागन भी एक पॉलीगन है। पेंटागन के बाद हेक्सागन, हेप्टागन है, नैनोगन, ये सारे के सारे पॉलीगन हैं। ऑक्टागन जितने भी हैं सब पॉलीगन हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम इस चैप्टर में तो केवल क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉलीगन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम कौन से पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर, अच्छा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेगुलर दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक तो रेगुलर होता है, एक होता है इररेगुलर। रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंट, बहुत छोटा सा डिफरेंस। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, है ना। ए पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर एंड ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, बोथ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। और इररेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें साइड्स आर डिफरेंट, साइड्स एंड एंगल आर डिफरेंट, साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, जिसमें साइड और एंगल जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, दैट इज नोन एज रेगुलर इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अगर सारी चीज़ें इक्वल होती हैं वो हमारा रेगुलर पॉलीगन, और जिसमें सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं इररेगुलर पॉलीगन, ठीक। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन में, तो हमारे पास सम ऑफ एक फॉर्मूला आ जाता है। सर ऊपर वाला देख लीजिए, ओके सिलेंडर ओके वाला। ओके ओके, हाँ देख लीजिए बेटा। ठीक है, आगे करें। यस सर। हाँ तो हम बात करें पॉलीगन की, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो रेगुलर है या इरेगुलर है। इसमें ना जैसे कोई भी हम पॉलीगन बना लें, आपके सामने यहाँ पे एक पॉलीगन बना लिया मैंने, ये पॉलीगन है, ठीक है। अब ये पॉलीगन में ना आपको दो एंगल दिखाई देंगे। दो एंगल कौन कौन से? दो एंगल, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। पहले मैं आपको अंदर वाला एंगल दिखाता हूँ, फिर अगले उसमें टॉपिक में फिर बाहर वाला एंगल देखेंगे। जैसे ये अंदर की तरफ दिख रहे होंगे, ये एंगल है ना। दो लाइन जब जुड़ती है ना बेटा, जैसे ये दो लाइनें, ये एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, ये यहाँ पर जुड़ गई, तो जब दो लाइन जुड़ती है तो उनके बीच में एक एंगल बनता है। तो अंदर की तरफ अगर वो एंगल बन जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और अगर वो बाहर की तरफ बनता है तो उसको एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, सिंपल, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो ये इंटीरियर एंगल है, जैसे इंटीरियर एंगल, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये सर जैसे यहाँ बनेगा सर तब भी 90 रहेगा ना? वो अलग अलग होता है बेटा, वो ये इस फिगर के लिए तो 90 रहेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, या इसको रेक्टेंगल बोलोगे तो इसके लिए 90 रहेगा। बट उसका निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, आपने सुना होगा ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा? सरकारी मीटिंग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है बेटा? ट्रायंगल के सारे एंगलों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? पेरीमीटर आता है नहीं, गलत नाइन्टी है, डिग्री नहीं, आपको नहीं पता, चलो कोई नहीं मैं बता देता हूँ। ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम होता है बेटा 180, ठीक है। हाँ इसको हटा दो बेटा, अब मत करो, अब एक ही बार में बताना होता है, ऐसे थोड़ी 10 मौके थोड़ी ना मिलेंगे। तो बेटा वो आता कैसा है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, जिसमें भी कितनी भी साइड हो ना, बस आपको नंबर ऑफ साइड पता होनी चाहिए। उसके लिए एक फॉर्मूला है एन माइनस टू इंटू 180, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब वो ट्रायंगल हो, पॉलीगन को क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, सब इससे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल, यहाँ पे जो एन है ना इसको लिख लो नीचे चुपचाप, पहले इसको लिख लो। एन जो है ना यहाँ पर, एन वो है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। ये आपकी बुक में शायद पता नहीं ये है या नहीं है फॉर्मूला,
बट ये मैंने तो करा दिया आपको, ठीक है। ध्यान से इसको लिख लो, एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे आया, अब आपके पास सारी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमसे कोई पूछता भाई सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हम बोलते हैं 180, रट्टा पड़ा है हमें, बट ये नहीं पता ये आया कहाँ से। अगर कोई हमसे पूछता सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, हम बोलते हैं सर 360, नहीं ये नहीं पता बट ये 360 आया कहाँ से, बट ये पता है कि ये 360 होता है, ठीक है। तो अभी आज इसको समझ लो ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इसी क्लास में पढ़ने को मिलेगा, फिर बड़ी क्लास में जाके ना सीधा हमें वो चीज़ें इतनी कर ली होती है हम लोगों ने, वो रट जाती है हमें, है ना। तो जैसे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ, ये बोले ना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन की जगह ट्रायंगल आ जाए, तो हम लोगों को पता है ट्रायंगल में भी नंबर ऑफ साइड होती है 3, क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड होती है 4। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा पहले, अब यहाँ देखते हैं ट्रायंगल के ऑल एंगलों का सम, मैंने बताया था 180 होता है, क्या 180 एक्चुअली होता है या नहीं होता है, रख के देखो। एन की जगह रखा 3, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो 1 × 180, तो आया नहीं आया 180, आया बेटा। ऐसी एन माइनस यस सर टू आया। इंटू 180, अब क्वाड्रिलेटर के सारे एंगलों का सम 360 होता है, यहाँ पे रख के देखो, क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड होती है 4, 4 माइनस 2 180, 4 में से 2 गया बचा 2, और 2 180 की मल्टीप्लाई करोगे तो 360। आगे समझ में, आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी। क्वाड्रिलेटर के बाद कितनी साइड वाली फिगर होती है, 5, 5 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटागन, पेंटागन में होती है 5 साइड, ठीक है। तो 5 साइड वाली फिगर आ जाए, अगर उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछा जाए, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है सबके लिए, यही फॉर्मूला है 5 माइनस 2, तो 3 3 की 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? हाँ बेटा देवेंद्र, सर हर जगह सर ये सर जो क्वाड्रिलेटर में सर 180 से होगा क्या हाँ हाँ सर, हाँ सब जगह यही है इसलिए थ्री फॉर्मूला है। सिक्सटी नहीं बदलेगा नहीं, ये फॉर्मूला है बेटा, ये सेम रहेगा सबके लिए, ठीक है। सर हर जगह हाँ हर यही जगह रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीरियर एंगल जहाँ भी इंटीरियर एंगल की बात होगी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो हर जगह यही रहेगा। सर एक मिनट रुकिए सर, एक याद लिख फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर वैसे लिखवाया था मैंने, ये लिखा तो है, ये देखो यहाँ लिखा है ना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। सर वो तो किया ही सर ये भी। कोई दिक्कत यहाँ पर, आप कह रहे थे आपको आता, नो देखो सर अभी नई नई चीजें निकल के आ रही है ना। नो सर चले आगे करें। ये सर पेंटागन वाला भी दिखाई। हाँ पेंटागन वाला भी दिखा देते हैं। अच्छा आज आपको एक चीज और बताता हूँ, उसमें अब बात चली है तो दूर तक जाएगी, है ना। तो अब इसमें एक टॉपिक और है, वो भी बता देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। करें, यस सर हाँ सुनो फिर ध्यान से। मैंने अभी आपको ना एक चीज बोली थी, रेगुलर पॉलीगन बोला था मैंने आपको, रेगुलर पॉलीगन बताया था बेटा क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, जिसकी ऑल साइड्स साइड्स एंड मिलकर ऑल एंगल्स क्या होते ऑल साइड हैं, इक्वल ऑल मिल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर इक्वल, बताया था ना ये। इक्वल अच्छा मुझे मुझे बस ये बता दो, सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, सर ट्रायंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल में रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इक्वल होती है हाँ वो बताओ एंगल भी कौन सा ट्रायंगल होता है बेटा जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अभी देखेंगे बेटा सर आइसोसेलस ना, नहीं आइसो इसकी सर तो इक्विलेटरल इक्विलेटरल हाँ इक्विलेटरल होता है, नहीं होता यस सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है,
अच्छा मुझे इक्वल होती है, सर ऐसी इसमें ये सारे बता एंगल दो। भी इक्वल होते हैं। हाँ एस आर एंगल भी इक्वल, बिल्कुल सही बात है। ऐसी मुझे एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बता दो जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। क्वाड्रिलेटर पता है ना, इसमें फोर साइड वाला, फोर साइड वाली फिगर क्वाड्रिलेटर सर कहलाता। सर स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल साइड्स एंड ऑल नाइन एंगल इक्वल होते नहीं होते? सर 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल होते हैं। यस सर। अब ध्यान से सुनो फिर, अब एक चीज निकल के आई है यहाँ से। अब हमको ये पता है कि इक्विलेटरल की हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये बात हमें पता है। यस सर और ऐसे स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी बात हमें पता है। 90 डिग्री, पता है ना ये बात हमें? यस सर। पर आपने कभी ये सोचा कि हमें ये बात तो पता है, हम हर जगह 60 और 90 लेते हैं, पर ये आए कहाँ से? ये बात हमने कभी सोची? चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये आए कहाँ से। ये ईच ईच इंटीरियर एंगल है ना, जैसे मैं अगर आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूँ, जैसे ये एक ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल के लिए करते हैं फिर स्क्वायर के लिए, तो इसका 60 का मतलब ये हो गया कि हर एक एंगल 60 डिग्री होता है इसका, है ना? यही तो हुआ बेटा। तो मैं यहाँ पे ना देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यस हर एक एंगल निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्टली हमें पता है 180 होता है, डायरेक्टली पता है हमें 180 होता है, पर ये 180 आता कैसे है? एन माइनस टू इंटू 180, ऐसे ही होता है ना बेटा? फिर एन की जगह नंबर ऑफ साइड 3 है ट्रायंगल में, है ना? तो इंटू टू, माइनस टू इंटू 180, तो ये 180 हो गया। ये ऐसे होता है, बट हम अब डायरेक्टली 180 लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो 180 लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ ईच, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? बट हमें, हमारे पास ये ऑल आ गया, हमें चाहिए एक। तो यहाँ पे देखो ईच, एक निकालने के लिए क्या करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बेटा रेगुलर पॉलीगन का ही ईच निकाल सकते हैं हम, इररेगुलर का नहीं निकाल सकते, इस बात को समझना ध्यान से। जो रेगुलर पॉलीगन है ना, हम उसी का ईच इंटीरियर निकाल सकते हैं, इस रेगुलर पॉलीगन का हम ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते, उसका केवल सम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है, देखो यहाँ समझो, जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, ये एक रेगुलर पॉलीगन है नहीं है बेटा? लाइन सेगमेंट, इररेगुलर यस सर पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और क्लोज्ड है। बट इसका आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा खुला हुआ है, यहाँ पर ऐसा 90 जैसा लग रहा है, यहाँ पे छोटा खुला हुआ है, यहाँ पे उससे थोड़ा बड़ा खुला हुआ है, हर एक एंगल अलग अलग लग रहा है, नहीं लग रहा? यस सर लग रहा है अलग। हाँ, इसी वजह से हम इररेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल नहीं फाइंड कर सकते, हम केवल रेगुलर का ही कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे समझो, इररेगुलर मतलब जिसमें साइड्स इक्वल ना हो। अब यहाँ समझो ध्यान से, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो वो होता है जितनी भी, जितना भी इसका सम आया है निकल के, उसको आप कितनी है नंबर ऑफ साइड, थ्री, थ्री से डिवाइड कर दो बस। आगे नहीं आगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ट्रायंगल के लिए बात करें हम तो 60 आ जाएगा, है ना? और ईच इंटीरियर, ये ट्रायंगल के लिए था, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर का सिंबल है, चार साइड है ना इसमें, तो क्वाड्रिलेटर का सिंबल होता है ये। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटर भी लिख सकते हो आप, या स्क्वायर भी लिख सकते हो, या रेगुलर पॉलीगन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले ईच इंटीरियर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाला था, 360 था ना बेटा? तो डायरेक्टली यस यहाँ सर पे 360 रख दो। और कितनी नंबर ऑफ साइड एंगल होते हैं उसमें, या साइड होती है, फोर होती है, फोर से डिवाइड कर दो, आया 90 डिग्री। अब चाहे तो चेक कर लो, अब चाहे तो चेक कर लो, देख लो, इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 आ रहा था, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 आता है, आता नहीं आता? आता है। वो यहां से आता है, आई बात समझ में? यस तो बेटा आज इतना ही रखेंगे, है ना? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी नोट डाउन कर लो इसको। सर हेलो सर, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें सर एक क्वेश्चन है सर कि सर जैसे सर एक एक सर पैरेललोग्राम है,
सर वो भी सर उसकी बगल बगल की साइडें जो हैं सर निकलती है सर, जैसे ये वाला दिखा। बेटा, अब मीटिंग एंड होने वाली है, अब नेक्स्ट क्लास में पूछना ये, ठीक है? रह जाएगा उन्ना, ये एंड होने वाली है, नेक्स्ट में पूछ लेना, फिलहाल इतना कर लो। ओके सर, सर 1 मिनट रुक जाए सर, फिर उतार लें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन बेटा।